हमारी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। ऑयलिंग केयर का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। वैसे तो ज्यादातर घरों में महिलाएं सरसों या नारियल तेल का इस्तेमाल बालों के लिए करती हैं, जो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो रूसी उलझे ऑयली हेयर जैसी कई समस्याओं के लिए राहत दिलाने का काम करते हैं और बाल को घने और मुलायम बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं उन तेलों के बारे में। पहला है जैतून का तेल। जैतून के तेल के इस्तेमाल से गंजेपन की समस्या दूर होती है, बालों को झड़ने से रोकता ही है, साथ ही डैंड्रफ की समस्या से भी निजात दिलाता है, जो बालों के टूटने की सबसे बड़ी वजह होती है। जैतून के तेल में ओलियोरोपिन तत्व पाया जाता है, जो हेयर ग्रोथ में मदद करता है और बालों की जड़ों को मजबूत भी बनाता है। दूसरा है लेवेंडर फूल का तेल। लेवेंडर ऑयल को लेवेंडर फूल से तैयार किया जाता है, जिसमें एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल तत्व मौजूद होते हैं, जो रूसी की समस्या से छुटकारा दिलाता है। यह खास तौर पर एलोपेसिया को खत्म करने में मदद करता है, जो एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से गंजेपन की समस्या शुरू हो जाती है। तो महीने में 2 या 3 बार जरूर बालों में लेवेंडर तेल का इस्तेमाल करें। इसका असर आपको कुछ ही हफ्तों के इस्तेमाल के बाद ही देखने को मिल जाएगा। अगला तेल है एरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल, जिसे एरंडी का तेल के रूप में भी जाना जाता है, जो बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद तेल होता है, क्योंकि इस तेल में ओमेगा 9 फैटी एसिड मौजूद होता है। यह फैटी एसिड स्कैल्प में मौजूद सीबम को हेल्दी रखता है और हेयर फॉल की समस्या को दूर करने के साथ ही जड़ों को भी मजबूत बनाता है। कैस्टर ऑयल को आप हफ्ते में 2 बार रात को सोते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक को कद्दूकस कर उसका रस निकाल लें और उसमें नारियल तेल के साथ कैस्टर ऑयल मिलाकर बालों की जड़ों से लेकर लंबाई तक लगाएं। इससे 2 मुहे बालों की समस्या भी नहीं होती है।